हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो हमने सिंथेटिक फाइबर हमारा पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है और अभी हमारा पार्ट है प्लास्टिक। तो क्या होता है प्लास्टिक? तो प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक पॉलीमर से बना होता है, ठीक है, वो जो सिंथेटिक तरह ही होते हैं, ठीक है, जिसको हम अलग अलग शेप में मोल्ड कर सकते हैं, उनकी डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। तो फर्स्टली आप बच्चे जानो जो हमारा प्लास्टिक है उसका रीजन किस वर्ड से हुआ, ठीक है। फर्स्टली प्लास्टिक का रीजन ग्रीक वर्ड से हुआ, प्लास्टिकोस। तो प्लास्टिकोस का मतलब क्या होता है? विच मीन दैट कैन बी मोल्डेड और शेप्ड। तो प्लास्टिकोस का मतलब होता है किसी भी चीज को हम मोल्ड कर सकते हैं, उसको अच्छी शेप दे सकते हैं, ठीक है, उसको प्लास्टिकोस बोलते हैं। तो प्लास्टिक को हम कोई भी शेप दे सकते हैं। आप देखते हो घर पे मग है, बकेट है, तो बहुत से हमारे यूटेंसिल्स होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, डब्बे वगैरह, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आपकी प्रीवियस वीडियो मिस होगी तो आप मेरी 8 क्लास रिप्ले देख सकते हो, सब्सक्राइब माई चैनल। तो प्लास्टिक पॉलीमर्स कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ मोनोमर, क्योंकि प्लास्टिक में मोनोमर्स होते हैं, उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट होती है उसकी शेप के अकॉर्डिंग। तो फर्स्टली है लीनियर पॉलीमर्स। तो लीनियर पॉलीमर्स देखो ऐसी शेप होती है, मैं जूम करके दिखाती हूँ बच्चे आपको, देखो आप देख सकते हो, तो ये ऐसी शेप होती है। नेक्स्ट है ब्रांच्ड पॉलीमर। देखो एक स्ट्रेट जो बनी हुई है, चेन बनी हुई है, उसके ऊपर ब्रांच मतलब अलग अलग पॉलीमर्स लगे हुए हैं। नेक्स्ट है क्रॉस लिंक पॉलीमर्स, देखो क्रॉसिंग हो रही है। नेक्स्ट है नेटवर्क पॉलीमर्स, तो देखो बहुत सारे नेटवर्क बने हुए हैं। ये हमारे पॉलीमर्स की डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट है, मोनोमर्स होते हैं उनमें। तो प्लास्टिक का क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल एंड यूज, इट कैन आल्सो बी मेल्टेड रोल्ड इन टू शीट्स मेड इन टू वायर्स एंड कलर्स। ये हम प्लास्टिक के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक की कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है, सम पॉपुलर टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको बच्चे। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, थर्मो प्लास्टिक होती है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। तो थर्मो प्लास्टिक में क्या होता है? प्लास्टिक विच कैन बी डिफॉर्म्ड एंड बेंट ईजली। थर्मोप्लास्टिक मतलब हीट, हीट का मतलब क्या हुआ? जिसको हम ईजली मोड़ सकते हैं, हीट प्रोवाइड करके उसको मोल्ड कर सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है कंटेनर्स बनाने के लिए, कॉम्स बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसकी टाइप्स को पॉलीथीन और PVC भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो इट इज़ कॉमनली यूज फॉर मेकिंग प्लास्टिक बैग। इसका किसके लिए यूज़ किया जाता है? पॉलीथीन्स बनाने के लिए, प्लास्टिक के बैग्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो PVC का मतलब क्या है बच्चे? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका मतलब क्या है? इज स्ट्रांग बट लाइट वेट प्लास्टिक। ये स्ट्रांग होता है बट लाइट वेट प्लास्टिक होता है, लेकिन ये बहुत ही रिजिड होता है, इसमें फ्लेक्सीबिलिटी होती है। जो हमारे नॉन फूड पैकिंग्स होते हैं और बैंक कार्ड्स होते हैं वो इसके बने होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाले केबल्स, प्लम्बिंग, तो ये रबर्स वगैरह मतलब PVC के बने होते हैं। तो नेक्स्ट बच्चे हमारा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हमारे क्या होते हैं? ये सॉफ्ट नहीं होते, ठीक है, इनको हीट करने से मतलब ये थर्मो का मतलब सेटिंग हो गया, ठीक है, इनको हम इजिली मोल्ड नहीं कर सकते आफ्टर बीइंग मोल्ड वंस, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स है हमारी बैकलाइट और मेलेमाइन। तो बैकलाइट क्या होते हैं? इट इज़ ए हमारे पोर कनेक्टर ऑफ हीट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग हैंडल्स, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिसिटी स्विचेस, इनका बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और मेलेमाइन क्या होते हैं? मेलेमाइन हमारे जो होते हैं वो वर्सेटाइल होते हैं, जिसमें फायर रेजिस्टेंस होती है और वो फायर को टॉलरेट कर सकते हैं बेटर, ठीक है। तो इसीलिए इनको फ्लोर की जो टाइल्स होती है, आप देखते हो कलरफुल टाइल्स लगे होते हैं, ठीक है, उनको बनाने के लिए, किचन वायर बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस है तो इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट हम बच्चे प्लास्टिक एज ए मटेरियल ऑफ चॉइस, इसके हम मतलब क्यों यूज़ किया जाता है, इसके एडवांटेज क्या है, ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
तो स्पेशल हम प्लास्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आपके लिए इतना ही, जल्द से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लेटेस्ट वीडियो में आपके लिए जल्द लेके आऊंगी इस टॉपिक की। थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल।